हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी मार्कशीट में आपका नाम गलत है, माता का नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, तो कैसे जो है कि आप संशोधन करवा सकते हैं। पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताया जाएगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि मैं जो है कि वह यूपी बोर्ड की मार्कशीट आपको ऑनलाइन संशोधन करने के लिए बताऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, और यहाँ से आपको गूगल में आ जाना है, और गूगल में आके आपको सर्च करना है समाधान यूपी एमएसपी। जी हाँ दोस्तों, जब आप गूगल में सर्च करेंगे समाधान यूपी एमएसपी, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से वेबसाइट आएगी, और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यह ओपन हो जाएगी। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो यहाँ पर जो है कि यह समाधान जो पोर्टल है, यह उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पंजीकरण का ऑप्शन दिखेगा, दूसरा लॉगिन का दिखेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पंजीकरण करना होगा, और उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन करिएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखिए, नीचे उसके आएंगे तो यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि अगर इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी नहीं रहेगी तो वहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, बिल्कुल लिखा दिया गया है कि समाधान के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं के उपयोग में संबंधित विशिष्ट जानकारी है, तो यहाँ से आप जानकारी पढ़ लीजिएगा, और क्या क्या जो है कि इसमें सेवा दिया जाएगा वह भी दिया गया है, और इसके अंतर्गत विभिन्न सेवाओं के संबंध में जो है कि वह दिया गया है। और दोस्तों, एक चीज़ और करिएगा कि उसके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ देखिए क्षेत्रीय कार्यालय दिया गया है, तो यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय का नंबर भी दिया गया है, तो यहाँ से जो है कि आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि संशोधन वगैरह के बारे में कैसे होगा, क्या होगा, तो यहाँ से भी आपके डिटेल्स मिल जाएगी, तो यहाँ से आप देख लीजिए। तो उसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन कैसे आपको जो है कि इस पर पंजीकरण करना है ऑनलाइन संशोधन के लिए। तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर जो ऑनलाइन पंजीकरण का ऑप्शन है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन आपका मोबाइल का रहेगा, दूसरा रहेगा ईमेल आईडी का। तो यहां से आप क्या करिए कि यहां से आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और ईमेल आईडी डाल दीजिए, और उसके बाद जब यहां से सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी वगैरह जाएगा, और यहां से जो है कि कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, आपका नाम वगैरह पूछा जाएगा, तो आप यहां से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो चलिए, हम यहां पर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो चलिए उसको लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करिएगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड का, इसी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करिएगा। जब फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो है कि यूज़र आईडी मांगेगा, और उसके बाद आपका पासवर्ड मांगेगा, और सुरक्षा कोड आपको भरना होगा, और उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ से लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए, हम यहाँ से लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको जो है वह अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, आप इसको लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है, और यहाँ से आप नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा कि मूल प्रमाण पत्र जारी करने हेतु, प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करने हेतु, मूल अंक पत्र जारी करने हेतु, या अंक पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करने हेतु, या संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से जो है कि आपको अपना जो है कि मार्कशीट को संशोधन करवाना है, तो यहाँ से आप क्या करिए कि अगर आपको प्रमाण पत्र संशोधन करवाना है तो पाँचवें वाले ऑप्शन पर करिए, और अंक पत्र को संशोधन करवाना है तो उसके लिए छठवें पे आप क्लिक करिए। तो चलिए, यहाँ से जो है कि आपको जो है कि अपना मार्कशीट को संशोधन करवाना है तो उसके लिए आप क्या करिए कि यहाँ से इस पर क्लिक करिए, और इसके बाद जो है कि नीचे आकर के जो है यहाँ से जो चुनी गई सेवा से संबंधित पत्रों को अपलोड करने वाला ऑप्शन है, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है।
तो इसको बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यह ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि चलिए यहाँ से बताते हैं। तो यहाँ से देखिए ओपन हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जनपद पूछा जाएगा कि किस जनपद की जो है कि आप हैं। तो यहाँ से आप अपना जनपद सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे हमारा मान लीजिए है वाराणसी, तो वाराणसी कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से देखिए कि वाराणसी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिख करके आ गया है कि आवेदन हेतु परीक्षार्थी उस जनपद का चयन करें जिस जनपद से उन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा पास की है अथवा परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। तो जहाँ से जो है कि आपने हाई स्कूल या इंटर किया है वहीं का आपको भरना है। अभी जहाँ पर आपका घर है वहाँ का नहीं भरना है, जहाँ से आपने पास किया है जिस जिला वगैरह में है उसको भरिए। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी आप रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे वहाँ से आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर आपका वहीं से उठा लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे साइड में देखिए यहाँ से आपका आधार दे रहा है, तो यहाँ से आपको अपना आधार सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आधार का जो नंबर है वहाँ पर भर देना है। और उसके बाद नीचे आपका जो है वह पत्राचार का पता आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस वगैरह जो आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल किए थे वही सब यहाँ पर जो है कि उठा लेगा। और उसके बाद यहाँ से आपको परीक्षा का प्रकार चुनना है। और परीक्षा के प्रकार के बाद जो है कि 4 अंक का आपको परीक्षा वर्ष चुनना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है। और रोल नंबर भरने के बाद आपको सेव न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। जब फ्रेंड्स आप यहाँ से सेव न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद एक पेज और ओपन होगा जिसमें कि आपको जो हमने शुरू में निर्देश बताया था कि आपको यह चीज़ पढ़ लेना है उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है। तो वहाँ कुछ आपको प्रपत्र अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, उसके बाद चालान वगैरह हो गया, तो वह सब अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप निर्देश अच्छे से पढ़िए और जो जो चीज़ कहा है वह चीज़ वहाँ पर अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद आप सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे तो 30 दिन के भीतर जो है वह आपकी मार्कशीट में संशोधन हो जाएगा कि हाँ दोस्तों इस तरह से आपको अप्लाई करना है। इस तरह से अगर आप अप्लाई करते हैं तो 30 दिन के भीतर आपकी मार्कशीट संशोधित हो जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि जो रजिस्ट्रेशन आपको करना है अगर वह नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे कि किस तरह से जो है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।